सुबह सुबह गुड न्यूज़ मिली है मुझे। ऐसे कैसे मैं टाइम स्पेंड करूँ यार। फेवरेट, मेरी फेवरेट मतलब गुजराती की फेवरेट गुजराती दाल तो तारी यार वो बहुत है, इसलिए कि वो नीचे लेके जाऊंगी तो दौड़ाएगा ये, उससे अच्छा ये ऊपर ही ठीक है। ये है मेरा आज का आउटफिट, क्यूट लिटिल क्रॉप टॉप। पर वो केवी भाई नीचे। हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज है 10 जून और आज है सैटरडे यानी कि वीकेंड, और आज कहीं पे भी जाने का प्लान नहीं है क्योंकि हर वीकेंड जाएंगे कहीं तो फिर खावा खिचड़ी नहीं रही है। जस्ट किडिंग। सो आज बस नॉर्मली रहेगा, क्या पता शाम को हम कहीं पे जाएं। और मुझे ना हेयर कलर भी करवाना है, मतलब करना है। मैं कभी सलोन में नहीं करवाती, मैं सलोन में कभी पैसे नहीं डालती क्योंकि मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ और मुझे ब्यूटी की सारी चीज़ें आती है। तो देखो अभी तक हेयर में कलर तो है बट मुझे ना ऊपर से ऐसे स्ट्रिक्स वाला करना है, घर पे ही करेंगे हम। तो देखते आज करें या फिर कल। सो या, और दूसरी एक दो चीज़ें मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ। सो नीलेश का तो मतलब नीलेश का वीकेंड होता है तो वो हॉरर मूवी देख रहा है अभी, और मैं बस अपना रूटीन का काम कर रही हूँ। वर्कआउट कर लिया और पूजा भी कर ली, आपने देख लिया होगा, और क्योंकि तिलक लगाया इसलिए। और बस आज चिल डे होने वाला है, पूरा घर का नॉर्मल रूटीन होने वाला है। सो या, तो अभी मुझे ना थोड़े टैग्स वगैरह डालने हैं वीडियो में जो आ जाने वाला है, तो वो पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग काम करेंगे अपना घर का। और पौधे को पानी भी मैंने पिला दिया है, सब हो गया है आज। मतलब थोड़ा लेट हो रहा है हम लोग, अभी कुछ 10:30 बज रहे हैं आई गेस, 10:30 बज रहे हैं। मैं हमेशा भूल जाती हूँ, मैं देखने जाती हूँ ये मतलब वीडियो ही कट हो जाता है। तो आज कुछ मेरे लिए सरप्राइज भी सीधा हुआ है बट मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, सीक्रेट है, मैं आपको बाद बताऊंगी, मैं बाद में बताऊंगी मैं। सो या, आज मैं बहुत खुश हूँ बट मैं अभी नहीं बताऊंगी आप लोगों को। गुड मॉर्निंग, आज है वीकेंड सैटरडे और मैं अभी वर्कआउट करके आया, उसके बाद खाया। मतलब अभी वीकेंड में ही हो रहा है जिम को जाने के लिए क्योंकि बाकी वीकडेज में काम होता है ऑफिस का, मंडे टू वेनेसडे तो होता ही नहीं ऑफिस में रहता, थर्सडे फ्राइडे घर से करता हूँ बट काम था तो नहीं जा पाया। वैसे मैं मतलब वीकेंड में ही अच्छे से आराम से मतलब 1.5-2 घंटा आराम से जिम कर लेता हूँ सैटरडे संडे, क्योंकि काम रहता नहीं हूँ। तो हो गया वर्कआउट, खाना ये इसने तो अभी तक स्टार्ट किया नहीं है, घर से कर रही ना, घर से धीरे धीरे स्टार्ट किया, थोड़ा रेगुलर रूटीन हो जाएगा वर्कआउट का, फिर देखते हैं, फिर उसको लगा देता हूँ बाहर जिम, कार्डियो भी इसको करना है। और एक दूसरी चीज़, हाँ मतलब इसको एक TCS का हॉलीडे हमसे, अभी वो प्लेस का नाम अभी नहीं बताएंगे, रिवील नहीं करेंगे। मैंने भी नहीं किया रिवील बट मैंने ऐसे बोला कि एक आज सुबह सुबह गुड न्यूज़ मिली है मुझे। वो मतलब आपको पता चल जाएगा, मतलब वो मॉर्निंग में 8 बजे करना पड़ता है, ऑलरेडी हम बुक हो गए और 1 महीने एडवांस, मतलब 1 महीने के बाद है अभी, क्योंकि बारिश भी यहाँ पे, बारिश का सीजन स्टार्ट हो गया है तो वेल स्टेशन है तो वहाँ पर मतलब ये टाइम पे सही रहेगा। अभी कुछ अभी आगे ज़्यादा कुछ मत बता, हिल स्टेशन है अभी समझ में आ गया होगा सबको कि कौन सा हिल स्टेशन है। और इसका भाई भी मतलब इसका भाई भी नई शादी हुई ना, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि उन लोगों को अगर आना है, उनको पुणे वैसे भी आना था घूमने के लिए, तो आई थिंक अगर ये टाइम पे आएंगे तो बेटर रहेगा क्योंकि ये मानसून टाइम पे अच्छा रहेगा। और वैसे भी ये जो हॉलीडे होम्स है, बाकी हॉलीडे होम्स में एक्चुअली एक रूम ही रहता है, यहाँ पे पूरा बंगलो एक ही एम्प्लॉय बुक कर सकते हैं, मतलब 2 बेडरूम है तो आराम से 6 लोग आराम से रह सकते हैं।
अगर वो लोग भी आ जाएंगे तो आई थिंक तो अच्छा हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे घूमने के लिए। वीडियो जोता हो तो आवी जाओ भाई, बे बार तो कही रहा तुमने हूँ के भाई कॉल। उसको छुट्टी, एक्चुअली उसको छुट्टी का प्रॉब्लम है क्योंकि शादी में उसने छुट्टी ली थी, तो फिर मैंने बोला कि ले लो तुम, मतलब वन वीक की छुट्टी तो ले ही लो, लाइक उसमें सैटरडे संडे आ रहा है तो मतलब 5 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी उसको। बट अभी आ जाएंगे तो अच्छा है क्योंकि प्रॉपर सब कुछ प्रॉपर सेट है, बारिश के टाइम पे भी वो बुक। और वो हनीमून डेस्टिनेशन है और अभी तो एकदम प्लेजेंट मौसम होगा क्योंकि मेरे बर्थडे पे हम गए थे ना जून में गए थे, क्या मौसम था यार उधर। तो देखते हुए आते कि नहीं तो फिर हम दोनों तो जाने वाले, क्योंकि वो मुश्किल से बुक होता और ये टाइम पे सही रहेगा। जो हमारे साथ है फिर उसको पता चल गया है कि अभी हम कहाँ पे जाने वाले हैं। बट नाम फिर भी नहीं बताना, आप लोगों को पता चल गया फिर भी नहीं बताना, जाएंगे तब बताएंगे कब जाना है वो भी तभी बताएंगे। अभी नहीं बताना। चलो फिर आज तो आराम है, सैटरडे है। मैंने नीलेश को बोला है कि मैं या फिर मैरिज लुक या फिर मांडवा लुक क्रिएट करूं और शूट करके दे, बट उसका कुछ फिक्स नहीं है आज। देखते शायद मेरा फ्रेंड है उसको मिलने के लिए शायद जाऊंगा, तो उसको कल कर ले मतलब आज के लिए। चलो देखते हैं। चलो फिर सी यू नेक्स्ट टाइम। नीलेश ऐसे फालतू मूवी देखता है ना कि मुझे अगर उसके साथ बैठ के मूवी देखना होता है ना तो भी मैं नहीं देख सकती। ऐसे कैसे मैं टाइम स्पेंड करूं यार, किसी के मतलब आँख के अंदर ऐसे उंगली घुसा देते हैं या फिर सर फोड़ देते हैं, मतलब ऐसे गंदे गंदे मूवी, हॉरर मूवी। मैंने अभी अभी देखा है क्या, मुझे भी उल्टी आ रही है अभी, मुझे खाना भी नहीं जाएगा। फिर पूरी रात हिलता रहेगा ऐसे डर के मारे, फिर भी देख रहा है उसे, जाने दो। ये सर वीकेंड मेरा ऐसा ही होता है। फोन की बैटरी खत्म हो रही है तो अभी मैं चार्ज में रख दूँ, उसके बाद फिर से ब्लॉक करते हैं। आज खाने में क्या बनाए, आपकी फेवरेट, मेरी फेवरेट, मतलब गुजराती की फेवरेट, गुजराती दाल खट्टी मीठी और राइस दिखाते हूँ मैं, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। दाल बन रही है अभी, मतलब मुझे और नीलेश को सिर्फ दाल राइस हो तो भी चलता है, मतलब चपाती सब्जी मतलब बटाटे की वो नहीं होता तो भी चलता है। सो या इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ, सिर्फ दाल राइस और सैलेड, दैट्स इट। सो आज 56 भोग वाली फीलिंग आ रही है और अकेले रहने का फ़ायदा यही है कि सिर्फ दाल राइस भी चलती है और नीलेश को चलता है, इसलिए वेल एंड गुड। મારો ડાયો છે છોકરો બહુ જ ને, મેં આરામ સે ખા લેતી હું કે બહુ લેટ હો ગયા હે, વીકેન્ડ મેં તો લેઝી લેઝી ચલતા હે સબ કુછ। પરફેક્ટ ખટ્ટી મીઠી દાલ, बज रहे हैं दोपहर के और मैं खीर खा रही हूँ क्योंकि मुझे ठंडी खीर बहुत ही पसंद है, मैंने रात को बना के रख दी थी तो अभी मैं वो खा रही हूँ। क्या मस्त टेस्ट है इसका, और इसमें इतने सारे तो मैंने काजू बादाम डाले। आप लोगों को सच बताऊं, मैंने आज सुबह से कुछ काम नहीं किया है, नीलेश का वीकेंड होता है मुझे आलस आ जाता है पूरा, मतलब हमारा वीकेंड बस जब मन करेगा तब करूंगी मैं, अंदर से जोश आना चाहिए।
फुल क्रीम मिल्क लेके आई थी मैम। अभी सोचो वो खीर कैसी बनी होगी। मुझे ना ऐसे प्लास्टिक के डब्बे में खाने का बहुत मजा आता है, ऐसे बाहर वाली बाहर से मंगाया ऐसे फीलिंग आती है। और बाहर बारिश हो रही थी, लाइक आधे हिस्से में, आधी बालकनी में बारिश हो रही थी, आधे बालकनी में नहीं। पता नहीं मौसम को क्या हो रहा है। और आज मतलब मैं शूट नहीं करने वाली, नीचे कुछ फंक्शन चल रहा है, तो जहाँ पे मुझे शूट करना है वहाँ पे बहुत लोग हैं। सो आज का वो प्लान कैंसिल। आई विश नीलेश मुझे कहीं पे लेके जाए शाम को। मुझे तो नहीं लगता वो लेके जाएगा, बस आई एम होपिंग। थोड़ा खा के आराम करके फिर काम करेंगे। अभी मैं मेरा वीडियो एडिट कर रही हूँ कल का। सो मैं और नीलेश वो चना नहीं रोस्ट किया था, अभी वो खा रहे हैं। हेल्दी स्नैक, आज सुपर चिल्ड है ना। कुछ काम नहीं किया, दोनों ऐसे ही पड़े हैं खाना खा के। खाना खाया, बर्तन धोया, खत्म। ये मैच देख रहा है कब से, मैं कब से फोन में हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, बस यही चल रहा है। मतलब मैं मतलब डेली व्लॉग ऑब्वियसली आप लोग जो भी करते हो दिन में वही दिखाती हूँ मैं। मैं मतलब ऐसे नहीं कि चलो डेली व्लॉग है तो फिर कुछ तो काम करना पड़ेगा, नहीं करना तो नहीं करना, सिंपल। अकेले रहने का यही फायदा है। और ऐसा सुपर शील हस्बैंड हो तो फिर सोने पे सुहागा, कुछ नहीं बोलता है। करना है तो करो, नहीं करना है तो कुछ नहीं। मुझे बस टाइम पे खाना दे दो। नहीं चक्का। वो हमेशा सैटरडे संडे ही आता है वीडियो में, आप नोटिस करना, वरना वो नहीं आता, क्योंकि वो पूरा दिन काम करता है, तो मतलब नहीं आता। अभी तक वो गया नहीं है उसके फ्रेंड के यहाँ पर, तो मैं कुछ नहीं करने वाली आज, मैं खाना ही बनाऊंगी सीधा रात को। सोच रही हूँ नीचे जाऊँ थोड़ी देर, बाल की हालत देखो, अभी उसको ऑयल की ज़रूरत है। देखो नीचे जाऊँ ताराऊ, हम तो तारी यार बहुत था इसलिए नीचे लेके जाऊंगी तो दौड़ाएगा ये, उससे अच्छा ये ऊपर ही ठीक है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर चक्कर लगाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत बोर हो रही हूँ और नीलेश शायद अभी तो जाएगा नहीं, और जाएगा तो भी लेट जाएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर खुली हवा लेने के लिए और कहीं पे घूमने के लिए। मेरा आउटफिट दिखा देते, ये है मेरा आज का आउटफिट, क्यूट लिटिल क्रॉप टॉप एंड लीवाइस का जीन्स। आओ शिट यार, ये ना सन, ये लाइट इतनी बकवास, आंखें दिख रही है मेरी, बस जाने दो। आपने देख लिया ना मेरा आउटफिट तो बस। ओके, तो हम लोग पेट्रोल डलवाने आए, तो पहले हमारा फेवरेट मोमो वाला आ गया है, तो हम लोग मोमो खाएंगे पहले। मुझे कब से मन था मोमोज खाने का। एक प्लेट वेज मोमोस, स्टीम। કેટલા બધા મિંદડીના બચ્ચા છે, મિયાઉ
तो हम लोग घर पे आ गए हैं और मोमोज बहुत ही टेस्टी थे और नीलेश ने बहुत सारा सुनाया मुझे कि अभी तुम्हें सब कुछ ये बंद ही करना होगा, इसके बाद अभी कुछ भी खाते हुए तुझे देखा तो देख लेना। इट्स ओके, आज तो खा लिया। और कौशिक भाई और पूजा यहाँ पे आ रहे हैं घर पे, सो आज शनिवार है तो यहाँ पे शनि मंदिर है तो कौशिक भाई को जाना होता है उधर दर्शन के लिए, तो नीलेश और कौशिक भाई वहाँ पे जाएंगे, मैं, पूजा और पर्व दोनों घर पे रहेंगे, तीनों घर पे रहेंगे और गप्पे मारेंगे बस। ओके, नीलेश और कौशिक भाई गए हैं बाहर और अभी पूजा आई है तो मैं उसके लिए कहाँ गया सोडा बना रही हूँ, हमारी गुजरात की स्पेशल, क्योंकि मुझे भी सोडा बहुत पसंद है, दैट्स व्हाई। मसाला रेडी है, पर वो केवी भाई नहीं छे, ખાટી લાગે છે, મેં કાકો લીંબુ નાખ્યું છે એની વાત સાચી છે। સો યે હે પૂજા મેરી ફ્રેન્ડ ઓર ના ના યે મજે ઓ એવા જ લાગવાનું હોય। સો યે હે મેરી ફ્રેન્ડ પૂજા ઓર જો પ્રાચી હે હમ લોગ ગયે થે બટ ઇસકે સાથ ઇન્ટ્રો નહીં કરવાયા, હમ લોગ એક બાર શોપિંગ કે લિયે ભી ગયે થે તુલસીબાગ ભી બટ ઉસમે ઇસકા બહોત કમ વિડિયો હે, तो आज प्रॉपर इंट्रो करवा देती हूँ। ये मेरी फ्रेंड है पूजा, कौशिक भाई की वाइफ और रांची की जेठानी। वैसे हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और मतलब फैमिली जैसे ही हैं हम लोग, क्योंकि ऑब्वियसली पुणे में फ्रेंड्स ही फैमिली होते हैं, राइट। और ये उसका बेटा है। और वो पहले तो बहुत नोटी था बट अब सुधर गया है ये। गाइस, तो पूजा और कौशिक भाई चले गए हैं तो आज मुझे काफ़ी लेट हो गया है सोने में, बताऊंगी नहीं कितने बज रहे हैं, अगर नीलेश ये ब्लॉग देखेगा तो मुझे मार डालेगा, क्योंकि मैं मतलब नई क्लिप्स आई थी तो मैं एडिट कर रही थी मतलब गुजरात से, सो या मुझे लेट हो गया है काफ़ी। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।